असल अताफी चौधरी मेंबर गुजरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक दफा एक चोर किसी के घर में चोरी करने जाता है तो वो जा करके सबसे पहले एक कपड़ा बिछाता है और चीजें ढूंढने जाता है कि वो मैं चीजें ला करके इस कपड़े में रखूंगा और बांध करके ले जाऊंगा इसी स्ना में जब वो कपड़ा बिछा करके जाता है तो वो जो मालिक होता है वो उठ जाता है उसको पता चल जाता है कि ये चोरी करने आया है और इसने ये कपड़ा बिछाया है वो कपड़ा वो उठता उठा है और वो कपड़ा वो उठ के छुपा लेता है वो चोर जब वापस आता है देखता है कपड़ा नहीं है तो कपड़ा तो और उसके पास कोई होता नहीं तो वो अपनी शर्ट उतारता है वो रखता है कि चले मैं इसमें ले जाऊंगा वो फिर चीजें उठाने जाता है तो मालिक उठता है तो वो उसकी शर्ट भी उठा लेता है फिर वो बड़ा परेशान होता है एट द द एंड ऑफ डे उसकी जो तहमत होती है वो वो उतारता है और चीज़ें लेने चले जाता है जब वो तहमद उतार करके चीजें लेने जाता है तो मालिक उठ खड़ा होता है और वो शोर मचा देता है चोर 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 और वो जो चोर होता है वो उस हालत में खड़ा उसको बड़े ही जो है वो सवालिया अंदाज से पूछता है कि हाल ही भी मैं ही चोर है अब गुजारिश ये है कि मैं अभी इकराम सहकल साहब का ये देख रहा था इंटरव्यू मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो ये कहते हैं कि दुबई में एट्टी परसेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो एफ बी आर इनकम टैक्स सेल टैक्स के ऑफिसर्स की हैं उन्होंने वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं ये तो अब ये एक छोटे मोटे बंदे का मैं आपको तजिया नहीं बता रहा अब कहने का मकसद ये है कि अगर यही लोग और ये हम शुरू से ही कहते हैं कि एफ में रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है आप यकीन जानिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये तेईस या चौबीस आर टी ओज हैं और हर आर टी ओज की तरफ से उनको पेमेंट जाती है तो उसका मेन हिस्सा हर आर टी ओ का वो या लेस्को की तरफ से होता है या गैपको की तरफ से होता है बाकी टैक्स कलेक्शन ये एक पूरा एक जो है वो एक स्ट्रक्चरल बना हुआ है इसके अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है टैक्स कलेक्शन में ये लोग अपनी जेबें ज्यादा भरते हैं और ये हर हकूमत आती है वो ये बात करती है लेकिन पता नहीं क्यों वो इन इन रिफॉर्म्स और फिर एक ये लास्ट जो गवर्नमेंट पीटीआई की आई एक एग्जाम्पल मैं आपको कोर्ट करके खत्म करूंगा कि वो पोर्टल था जिसपे आप कहते हैं कि जी आप शिकायत करें और ये मैंने एक चीफ कमिश्नर गुजरावाला की जाती तौर पर शिकायत की आज से कुछ साल पहले और उसके अंदर बड़ी डिटेल जो है वो करके कि ये ये यहां यहां पर हो रहा है और आप वुड यू बिलीव कि वो जो इस्लामाबाद से पोर्टल से मुझे मेल आई कि आप ने उनके खिलाफ जो कंप्लेन की है तो उनकी आपकी इंक्वायरी उनके पास है तो जाके मिले तो फिर मैंने क्या जाना था और क्या करना था क्या नहीं करना था मतलब इस तरह के तो सिस्टम होते हैं तो सर गुजारिश ये है कि और दूसरी बात जो अभी इकराम सैगल साहब की मैं देख रहा था जो वो कहते हैं ना जी डीलर जो मनी एक्सचेंज है उसको नहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं गुजारिश अब उसके पीछे भी सर अगली अगली वजह मैं आपको बताता हूं हमारे पाकिस्तान में जितनी इंपोर्ट होती है आप यह देखें कि अभी भी एक्चुअल जो इंपोर्ट का डाटा है 99 परसेंट जितनी भी इंपोर्ट है सब अंडर वैल्यू है अगर हम एक्चुअल उसकी निकालें तो एक्चुअल वैल्यू जितने मर्जी हमारे डिपार्टमेंट बने हैं जितने मर्जी हमारे वो रेट डेली के इंटरनेशनल चेक करते हैं लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि हर आइटम इंटरनेशनल टेरफ्स है ना जी पूरी दुनिया के लेकिन हमारा जो है हमारा नाइन्टी परसेंट जितनी इंपोर्ट है अंडर वैल्यू हो रही है अब वो अगर एक्चुअल पे होनी शुरू हो जाए और ये बहुत सारे ऑफिसर्स को पता है तो आईएमएफ को जो डाटा नजर आएगा ना कि हमारा डेफिसिट इतना है तो वो शायद हमारे पास आए ही ना ये इसलिए हमने ये लूप होल छोड़े हैं पहली बात ये मनी चेंजर्स जो हैं दूसरा हमने ये जो एफबीआर वाली आपने बात की है ये पैसे बाहर नहीं भेजने अगर करप्शन करनी है तो बाहर भेजने हैं तो ऊंडिया वाले से ही भेजने हैं ना तो कैसे इन डीलर्स को खत्म करेंगे ये सारे वो चीजें हैं जो इन्होंने अपने पैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो सारे खुद अपने ये ये लूप होल्स बंद कर देंगे तो खुद कैसे पैसे बाइट लेकर के जाएंगे हमें बहुत ज्यादा अब ईमानदार होने की जरूरत है पिछली गलतियों की माफी मांगने की जरूरत है क्योंकि अब गुजारा नहीं है अब हमारा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता बहुत शुक्रिया अलग